कराची के इलाके केमाड़ी में जहरीली गैस से अमवात का मामला, 300 से जायद अफराद मुतासर हुए, जबकि तर्जुमान महकमा सेहत सिंध ने 14 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी है। जामे कराची की तहकीकती रिपोर्ट में सोयाबीन डस्ट का इंकशाफ हुआ है। तहकीकात में मजीद क्या अपडेट्स हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रजा से। अली बताएगा। जी हाँ बिल्कुल, देखें ये अफसोसनाक वाकया है जहाँ पर एक ही मुकाम पर ये मुतासिर हुए हैं। जो जहरीली गैस है उससे 14 अमवात जो है वो हो चुकी हैं। हमने देखा कि कल एहतजाज भी हुआ, तहम अब तक जो है मुबैन तौर पे कोई भी चीज़ ऐसी मुस्तनद वाज़े नहीं हो पा रही है कि आया ये क्या है, क्योंकि एक इदारा कह रहा है कि केमिकल और तेल का मसला है, तो दूसरा जामे कराची की रिपोर्ट के मुताबिक सोयाबीन डस्ट की भी बात बताई जा रही है। मगर दूसरी जानब एक बहुत बड़ा इदारा है जो मुतासर हो रहा है, मगर वहाँ से लोगों को निकाला या उनकी जगह तब्दील नहीं की जा रही है, जिससे जो डॉक्टर्स हैं और माहरीन हैं वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा जो हलाकतें जो हैं वो हो सकती हैं, जिसके बायस जो है एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए। ताहम हमने ये देखा कि कल जो है वो पुलिस और रेंजर्स की तरफ से मास्क जो है वो दिए गए, जबकि दूसरी जानब जो ईदी जरा है वो ईदी जो है उन्होंने बात की साथ ईदी ने उन्होंने कहा कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो है 9 लोग जो है वो जाबाक हुए। अब ये मसला है क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सांस लेने जो मरीज़ भी है पहले से, और उनकी वजह से भी जो है उनकी इंतकाल हो रहे, मगर उसका डाटा जो है वो सामने आ रहा है। ताहम अब तक जो है जो रिपोर्ट्स हैं वो जब वाजे हो सकेगा, जब रिपोर्ट्स आएंगी और उसके बाद ही ये मुमकिन बन सकेगा कि इसको रोका किस तरह जाए, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू किस तरह किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। जी हाँ बिल्कुल, देखें ये अफसोसनाक वाकया है जहाँ पर एक ही मुकाम पर ये मुतासिर हुए हैं। जो जहरीली गैस है उससे 14 अमवात जो है वो हो चुकी हैं। हमने देखा कि कल एहतजाज भी हुआ, तहम अब तक जो है मुबैन तौर पे कोई भी चीज़ ऐसी मुस्तनद वाज़े नहीं हो पा रही है कि आया ये क्या है, क्योंकि एक इदारा कह रहा है कि केमिकल और तेल का मसला है, तो दूसरा जामे कराची की रिपोर्ट के मुताबिक सोयाबीन डस्ट की भी बात बताई जा रही है। मगर दूसरी जानब एक बहुत बड़ा इदारा है जो मुतासर हो रहा है, मगर वहाँ से लोगों को निकाला या उनकी जगह तब्दील नहीं की जा रही है, जिससे जो डॉक्टर्स हैं और माहरीन हैं वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा जो हलाकतें जो हैं वो हो सकती हैं, जिसके बायस जो है एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए। ताहम हमने ये देखा कि कल जो है वो पुलिस और रेंजर्स की तरफ से मास्क जो है वो दिए गए, जबकि दूसरी जानब जो ईदी जरा है वो ईदी जो है उन्होंने बात की साथ ईदी ने उन्होंने कहा कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो है 9 लोग जो है वो जाबाक हुए। अब ये मसला है क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सांस लेने जो मरीज़ भी है पहले से, और उनकी वजह से भी जो है उनकी इंतकाल हो रहे, मगर उसका डाटा जो है वो सामने आ रहा है। ताहम अब तक जो है जो रिपोर्ट्स हैं वो जब वाजे हो सकेगा, जब रिपोर्ट्स आएंगी और उसके बाद ही ये मुमकिन बन सकेगा कि इसको रोका किस तरह जाए, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू किस तरह किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया।